हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपसे जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जनरल स्टडीज में जनरल नॉलेज तथा इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री तथा जियोग्राफी ऑफ कंट्री। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा तथा फैक्ट अबाउट हरियाणा, इंडियन कल्चर तथा इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, इंडिया तथा वर्ल्ड जियोग्राफी और इकोनॉमी ऑफ हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही सोशल, इकोनॉमिक तथा कल्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही नेशनल तथा इंटरनेशनल इवेंट, करंट अफेयर तथा डेट एंड इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेमस ऑथर्स, अवार्ड्स और बुक्स के बारे में पूछा जाएगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग तथा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, वर्ड अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजियम तथा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और मिसक्लिनियस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज तथा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो इसमें नॉलेज ऑफ हिस्ट्री तथा फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, फ्रूट्स तथा वेजिटेबल्स के बारे में पूछा जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल तथा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, फर्टिलाइजिंग तथा इरिगेशन एंड डैमेज के बारे में पूछा जाएगा, वीड, पेस्ट्स और कंट्रोल के बारे में पूछा जाएगा, टाइप ऑफ क्रॉप, सॉइल एंड लैंड के बारे में पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन के बारे में पूछा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन तथा अफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इसमें एनिमल न्यूट्रिशन तथा न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल ब्रीडिंग तथा इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड डेयरी के बारे में पूछा जाएगा, डिजीज एंड सिम्टम्स इन एनिमल्स, केयर ऑफ एनिमल तथा एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो इसमें कंप्यूटर तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री पूछी जाएगी, मॉडर्न कम्युनिटी में कंप्यूटर का रोल क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाएगा, वेब टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट सर्फिंग तथा एटिकेट्स के बारे में पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पीएसटी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में डिस्टेंस कवर करनी होगी। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुलाने पर 87 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी की हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और रिजर्व कैटेगरी में 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये था इसका सिलेबस। और इसके साथ ही बता दें, अन अकेडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके अलावा 10% का रेफरल डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप जीएस और ऑप्शनल का प्लान लेते हैं तो आपको 25% ऑप्शनल पे डिस्काउंट दिया जाएगा और 10% आपको रेफरल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल लेते हैं तो आपको 25% का ऑप्शनल पे डिस्काउंट मिलेगा और 10% का रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA। इसके साथ ही इस प्लान पे आपको मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया जाएगा। अगर आप 2021 का प्लान लेते हैं तो ये बढ़ाकर आपका मेंस एग्जामिनेशन 2022 तक के लिए कर दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं 2021-22 का तो उसको बढ़ाकर 2023 तक के लिए कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। और अगर बैचेस की बात करें तो 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारी लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके साथ ही NCERT और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। इन सब के साथ 2 साल का UPSC बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारी क्लासेस लाइव होंगी और NCERT तथा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो जो लोग प्लान लेना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें
उसके बाद आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, SRADDA अप्लाई करें, तो आपको मैक्सिमम 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इसके साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।